ओके, तो इसमें एक्सरसाइज टू पार्ट थ्री फर्स्ट, पहला बन गया। सेकेंड, थर्ड, यस सर, थर्ड। अब वहां पे क्या है, सिक्स मैरिड कपल आर सिटिंग इन अ रूम, नंबर ऑफ वेज इन विच फोर कैन बी सेलेक्टेड सो दैट देर इज एग्जैक्टली वन मैरिड कपल अमोंग द फोर इज। आसान था ना रे ये। पहले तो क्या होना चाहिए, चार लोगों को हमें सेलेक्ट करना है, उनमें एक मैरिड कपल होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने मैरिड कपल्स है, छह। हमारे पास टोटल छह मैरिड कपल्स है और हमें चार लोगों को सेलेक्ट करना, उसमें एक मैरिड कपल होना चाहिए। अलग छह में से अगर हम एक कपल को सेलेक्ट करते हैं तो एक कपल सेलेक्ट हो गया, मतलब कितने लोग सेलेक्ट हो गए, दो। दो लोग सेलेक्ट हो गए। अब उसके बाद पांच मैरिड कपल वहां पे बचते हैं, ठीक है। अब पांच मैरिड कपल में पांच मेल होंगे, ठीक है, पांच मेल होंगे और पांच फीमेल, ठीक है। अब इसमें हमें बाकी के जो दो लोग सेलेक्ट करने हैं, 61 तरीके से हमने एक मैरिड कपल को सेलेक्ट किया, मतलब दो लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें और दो लोगों को सेलेक्ट करना है इन 10 में से। और बस इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, F4 एंड F5, कि जो दो लोग आएंगे वो मैरिड कपल नहीं होने चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने लोग हैं अब यहाँ पे, 10। तो 10 में से कोई भी दो लोग ले लेंगे, लेकिन इसमें गलती एक ये हो जाएगी कि वो M1 F1 भी आ सकता है, M2 F2 भी हो सकता है, M3 F3 भी हो सकता है। तो फाइनली जाके हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 5C1। ये समझ में आया सर, वो 5C1। अरे जो हमने 10C2 तरीके से दो लोग सेलेक्ट किया ना, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ये वो बताता हूँ मैं। उसमें पॉसिबिलिटीज है ये 10C2 में, इसमें दोनों के दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों के दोनों फीमेल हो सकते हैं, एंड एक मेल एक फीमेल हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, तो कोई चलो कोई दिक्कत नहीं, मैरिड कपल नहीं आ सकता इसमें नहीं आ सकते। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, एक मेल एक फीमेल वो इसमें इंक्लूडेड है, तो उसमें मैरिड कपल्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब M1 F1 इसमें आ रहा है, M2 F2 भी इसमें आ रहा है, M3 F3 वाली पेयर भी आ रही है, M4 F5 M4 F4 वाली भी पेयर भी आ रही है, एंड M5 F5 वाली भी पेयर आ रही है। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी मैरिड कपल को सेलेक्ट कर चुके हैं, है कि नहीं, मैरिड कपल को ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो 10C2 में से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, अगर इसमें कोई मैरिड कपल आ रहा है तो उस केस को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी कितने मैरिड कपल से, पांच, तो 5C1 को माइनस कर देंगे, ठीक है सर। ऐसे ही किया है क्या तुम लोगों ने, बाकी लोगों ने? यस सर। तुमने कैसे किया ओजस, फिर सर? वो पहले 6C1 सिलेक्ट कर लिया सर, 6 में से एक कपल को, और उसके बाद सर पॉसिबिलिटीज देखी सर, कि अगर दो लोग को सिलेक्ट करना है तो या तो 5C1 4C1 से करेंगे, प्लस 5C2 प्लस 5C2, मतलब यही ना, 5C2 5C2 5C1 × 4C1, यही तो किया ना। यस सर, ठीक है, दोनों तरीके से जाओ, सही है। फिर उसके बाद फोर्थ सर, फोर्थ, ठीक है, सुन लो, फोर्थ में क्या है, इन अ हॉकी सीरीज बिटवीन टीम एक्स एंड वाई दे डिसाइड टू प्ले टिल अ टीम विंस 10 मैचेस। जब तक टीम 10 मैचेस जीत नहीं जाती तब तक खेलने का उन्होंने डिसाइड किया है। इफ एन इज द नंबर ऑफ वेज इन विच टीम एक्स विंस, ओके, यहाँ पे हॉकी सीरीज बिटवीन एक्स एंड वाई दे डिसाइड टू प्ले टिल
टीम विंस 10 मैचेस, ठीक है, जब तक टीम 10 मैचेस जीत नहीं जाती तब तक खेल रहे हैं. एन इज द नंबर ऑफ वेज इन विच टीम एक्स विंस एंड एम इज द नंबर ऑफ वेज इन विच टीम एक्स विन फर्स्ट मैच. क्या क्या? टीम एक्स विन व्हाइल फर्स्ट मैच इज विन बाय टीम एक्स. पहले हम एन की बात कर लेते, चलो पहले हम एन की बात कर लेते कि एन क्या होगा. हॉकी सीरीज है, जब तक एक टीम 10 मैचेस नहीं जीत जाती तब तक वो खेल रहे हैं और हमें एक्स को जितवाना है. एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच टीम एक्स विंस. तो ये बताओ उनको मिनिमम कितने मैचेस खेलने होंगे आपस में ताकि हम एक टीम को विनर घोषित कर सके. मिनिमम बोलो 10. मिनिमम 10 मैचेस तो खेलने होंगे और ये 10 के दोस्त किसको जीतने चाहिए? एक्स को जीतने चाहिए. फिर 11 मैचेस, 12 मैचेस और मैक्सिमम कितने खेल सकते हैं आपस में? सोच समझ के बताना. मैक्सिमम 19 मैक्सिमम 19 मैचेस खेल सकते हैं आपस में. देख लो, अब यहाँ पे एक्सप्लेन भी हो जाएगा वो. अब ये 10 के 10 मैचेस किसको जीतने चाहिए? एक्स को. एक्स तब जाके वो एक्स जीतेगा. अब यहाँ पे एक्स जीत रहा है, इसका मतलब वो जो 11वीं मैच होगी वो एक्स ही जीत रहा होगा. फाइनली हमें एक्स को जितवाना है ना, उसको 10 मैचेस विन करवाने हैं. अगर वो 10 मैचेस 11वीं मैच तक मतलब मान लो नहीं पहुंच पा रहा है, स्टार्टिंग के 10 मैचेस वो जीत गया तो 11वीं मैच खेलने की जरूरत ही नहीं है. और अगर हम 11 मैचेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो लास्ट मैच होगी 11वीं मैच, उसको एक्स को ही जीतना होगा. जो लास्ट मैच होगी उसको एक्स को ही जीतना होगा. एंड जो बचे हुए 10 मैचेस है उसमें से एक्स को कितने जीतने होंगे? 9. ये पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर. जो 11वीं मैच होगी उसको एक्स को ही जीतना होगा एंड जो बचे हुए 10 मैचेस है उसमें से 9, ताकि फिर एक्स कितने मैचेस जीत रहा होगा यहाँ पे 10 मैचेस और हम फाइनली एक्स को विनर घोषित कर दे. क्योंकि 10 मैचेस तक जब तक कोई जीत नहीं जाता तब तक वो खेलने वाले हैं और हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि ये टोटल कितने मैचेस खेल रहे आपस में? 11. और एक्स को जितवाना है, इसका मतलब लास्ट वाली मैच एक्स को खेलनी पड़ेगी, जीतनी पड़ेगी एंड बचे हुए 10 में से 9 मैचेस. अब यहाँ पे 12वीं मैच जो 12th नंबर वाली मैच होगी उसको एक्स को जीतना होगा एंड जो बचे हुए 11 मैचेस है उसमें से कितने जीतने होंगे? 9. ऐसे ही फाइनली यहाँ पे जो 19th नंबर की मैच होगी उसको जीतना होगा एक्स को एंड बचे हुए 18 मैचेस में से 9 मैचेस. ये क्लियर है या नहीं? समझो वहां पे क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कह रहा है? They decide to play till a team wins 10 matches. जब तक कोई टीम 10 मैचेस नहीं जीत जाती तब तक वो खेल रहे हैं, ठीक है? एंड जो 10 मैचेस जीत जाएगा उसको विनर घोषित किया जाएगा, वो विनर है. तो मिनिमम ये 10 मैचेस खेल सकते हैं आपस में और ये 10 के 10 कौन जीत रहा है? एक्स. इस तरीके से एक्स विनर होगा. अब मान लो वो 11 मैचेस खेल रहे हैं आपस में, 11 मैचेस खेल रहे हैं और हमें एक्स को विनर बनाना है, तो इसका मतलब इन 11 में से 10 मैचेस एक्स को जीतने पड़ेंगे एंड उसमें ये भी होना चाहिए कि जो लास्ट वाली मैच है वो एक्स को ही जीतनी होगी. क्योंकि अगर इसके पहले के 11वें के पहले जो 10 मैचेस होंगे अगर वो एक्स जीत गया तो फिर वो 11वीं मैच खेलेंगे ही नहीं आपस में, है कि नहीं? तो 11वीं मैच अगर खिलवानी, इसका मतलब वो 11वें पोजिशन वाली मैच एक्स को जीतनी पड़ेगी एंड बचे हुए 10 मैचेस में से 9 मैचेस एक्स को जीतने होंगे. तो टोटल कितने मैचेस जीत रहा है एक्स? 10. क्योंकि 11वें पोजीशन वाली जीत रहा है बचे में से 10, बचे हुए 10 में से 9. तो ये 9 और वो 11वें पोजीशन वाली मैच, तो टोटल 10 मैचेस जीत रहा है तो एक्स जीत जाएगा. ऐसे यहाँ पे 12वें पोजीशन वाली मैच कौन जीतेगा? एक्स एंड बाकी बचे हुए 11 में से 9. और ऐसे ही फाइनली 19th पोजीशन वाली मैच जीतेगा एक्स एंड बाकी बचे हुए 18 में से 9. अब आगे इसलिए नहीं जा सकते हैं 20 मैचेस. मान लो 20 वाली पोजीशन वाली मैच कौन जीत रहा है? एक्स. और बाकी बचे हुए 19 में से 9 मैचेस. अब ये देख लो 19 में से 9 गए,
बचते हैं 10 मैचेस, तो वो 10 मैचेस कौन जीत रहा होगा? वाई। तो इस केस में वाई जीत रहा होगा, हमें तो एक्स को जितवाना है, तो इसके वजह से मैक्सिमम कितने मैचेस खेल सकते हैं आपस में? 19। तो इसका जो टोटल, हाँ बोलो सर, वो 19 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, वो बता सकते? ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल कितने मैचेस मान के चल रहा है तू? 20 मैचेस मान के चल रहा है। क्वेश्चन को भी थोड़ा ढंग से पढ़ा करो, ठीक है? हमें एक्स को मान लो 20 मैचेस खेल रहे, ठीक, 20वें पोजीशन वाली मैच कौन जीत रहा है? एक्स जीत रहा है। इसके पहले टोटल कितने मैचेस हुए होंगे उनके बीच में? 19। और अगर तू ये सोच रहा है कि ये मैच एक जीत रहा है और बाकी बचे हुए 19 में से 9 जीत रहा है, इस तरीके से अगर तू एक्स को 10 मैचेस जितवाना चाहता है, तो यहाँ पे देख ले क्या हो जाएगा। 19 में से अगर 9 मैचेस एक जीत रहा है, तो बाकी बचे हुए 10 मैचेस कौन जीत रहा होगा? वाई जीत रहा होगा। तो ऑलरेडी वाई जीत चुका है ना, क्योंकि जो 10 मैचेस जीतेगा वही विनर है। यस सर, पहले जो 10 मैचेस जीतेगा। नहीं आया क्या समझ में ये? यस सर, समझा। तो थोड़ा सा उसके बारे में, तो ये हो गया एन। अब उसके बाद एम में क्या बोला गया है? पहली मैच भी एक सी जीत रहा है, तो इसमें भी केसेस तो यही है, पॉसिबिलिटीज सारी यही है। बस अब एम में क्या हो जाएगा, ये 10 के 10 मैचेस कौन जीत रहा होगा? एक्स। अब ये 11 मैचेस एक जीत रहा होगा, उसमें से पहली मैच एक जीत रहा होगा एंड लास्ट वाली मैच भी एक सी जीत रहा होगा। हाँ बोलो ओजस। नहीं सर, गलती से हो गई। पहली मैच भी एक सी जीत रहा होगा एंड लास्ट वाली मैच भी एक सी जीत रहा होगा, क्योंकि यही बोला गया वहां पे कि पहली मैच भी एक्स को जीतनी है। अगर टोटल 11 मैचेस खिलवाने इनके बीच में, तो लास्ट वाली भी एक्स को जीतनी होगी। तो बाकी बीच में बचे कितने मैचेस? 9। तो उन 9 में से कितने मैचेस जीतने होंगे? 8। उन 9 में से 8 मैचेस किसको जीतने होंगे? एक्स को जीतने होंगे। तो टोटल कितने मैचेस जीत जाएगा वो? 10। अब यहाँ पे 12वें पोजीशन वाली मैच एंड फर्स्ट पोजीशन वाली मैच एक्स जीत रहा होगा, तो बीच में जो 10 मैचेस बचते हैं उसमें से कितने जीतने होंगे? 8। सेम यहाँ पे 19 पोजीशन की एंड फर्स्ट पोजीशन की मैच कौन जीत रहा है? एक्स। तो बाकी बचे हुए 17 मैचेस में से कितने जीतने होंगे? 8। तो ये सम आएगा एम, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ हो गया, फिफ्थ ठीक है, फिफ्थ देख लो। थ्री लेडीज हैव गॉट 1 चाइल्ड ईच फॉर एडमिशन टू अ स्कूल, द प्रिंसिपल वांट्स टू इंटरव्यू द थ्री लेडीज हैव गॉट 1 चाइल्ड ईच फॉर एडमिशन टू स्कूल, the principal wants to interview the 6 persons one by one subject to the condition that one mother is interviewed, acha no mother is interviewed before her child, then number of ways in which interview can be arranged. So yahan pe kya hai, 3 ladies aur unke 3 bacche, ek sabka interview hoga। अब वहां पे ये बोला गया है कि नो मदर इंटरव्यू बिफोर हर चाइल्ड, मतलब बच्चे के पहले इंटरव्यू नहीं हो रहा होगा उसके मदर का। तो 6 पोजीशन से तो ये देख लो, यहाँ पे पहले हम एक पेयर की बात करते हैं, एक मदर एंड चाइल्ड के पेयर की बात करते हैं। ये M1 C1, ये दूसरा पेयर M2 C2 और ये तीसरा है M3 C3, ठीक है? यहाँ पे टोटल कितनी पोजीशंस है? 6। अब पहले हम इसको ही बात करते हैं, तो इन दोनों को इंटरव्यू देने के लिए कितने पोजीशंस की जरूरत है? 2।
है कि नहीं, दो पोजीशंस की जरूरत है तो छह में से दो पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे एंड वहां पे उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो एक ही तरीके से, क्योंकि पहले C1 होना चाहिए एंड बाद में M1 होना चाहिए, पहले चाइल्ड इंटरव्यू देगा उसके बाद उसकी मम्मी। तो छह में से हमने दो पोजीशन इन दोनों के लिए सेलेक्ट कर ली और वहां पे वो कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, एक तरीके से। तो एक पेयर का काम खत्म हो गया। अब दूसरे के बारे में सोचते, बची जगह चार है तो चार में से दो जगह हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वहां पे जाके ये दोनों कितने तरीके से अरेंज होंगे, एक तरीके से, क्योंकि C2 पहले आएगा बाद में M2, ये ऑर्डर हमें मेंटेन रखनी है। एंड बचे कितने प्लेसेस, अब दो, दो में से दो प्लेसेस किसको जाएंगे, इन दोनों को, और वहां पे उनकी अरेंजमेंट होगी एक तरीके से। क्लियर? यस सिक्स नंबर ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज टेकिंग थ्री लेटर्स टुगेदर इज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड ए एंड बी। अच्छा, सिक्स वाले में क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ थ्री लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज टेकिंग आउट ऑफ द, ठीक है ये अभी रहने दो, अभी ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट, ये वाला रहने दो इसको, ठीक है ये बाद में देखते हैं। चलो तो ये हो गया, इसके बाद बाकी की चीजें बाद में। क्या कह रहे हो, फिफ्थ में इवन C1, M1, C3, C2, M2, M3 ऑर्डर कैन कम ना, हाँ आ जाएगा, वो सारे ऑर्डर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये जो तुम कह रहे हो ना C1, M1, C3, C2, M2, M3 ऑर्डर, ये सारे इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है वो सारे इसमें आ जाएंगे। थोड़ा सा सोचो भी, छह में से कोई भी दो जगह हम इनको दे रहे हैं, छह में से कोई भी दो जगह, तो वो ये भी हो सकती है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो जो भी तुम पॉसिबिलिटी के बारे में वहां पर सोच रहे होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड हो रही होगी। कौन सा, एम कैन कम बिफोर सी, अरे अपने रिस्पेक्टिव चाइल्ड के पहले नहीं आना चाहिए, तो बोला है उसमें। अब दूसरे का बच्चा, उसके पहले तो मम्मी इंटरव्यू दे सकती है ना। थ्री लेडीज हैव बॉट वन चाइल्ड ईच फॉर एडमिशन, द प्रिंसिपल वांट्स टू इंटरव्यू द सिक्स पर्संस वन बाय वन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो मदर इज इंटरव्यू बिफोर हर चाइल्ड, उसके खुद के बच्चे के पहले नहीं दे रही है, तो बाकी के बच्चे के पहले तो दे ही रहे होगी। जैसे मान लो ये M1 है, C2 के पहले तो इंटरव्यू दे ही सकती है, ये M2 है, C3 के पहले इंटरव्यू दे सकती, बस M2 जो है C2 के पहले इंटरव्यू नहीं दे सकती, M3 C3 के पहले नहीं, एंड M1 C1 के पहले नहीं, ये कंडीशन है। चलो होमवर्क तो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सॉल्व कर लिया करो तुम लोग, कुछ चार पांच लोग बस सॉल्व करते हैं, अरे एक्सरसाइज 2 नहीं करोगे तो क्या ही होगा तुम्हारा इस टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक है ये, इसका एक्सरसाइज 2 भी छोटा है, जब तक सोचोगे नहीं कैसे काम चलेगा। अब डिस्कशन चल रहा है, चार लोग भग जाते हैं कि हमने सॉल्व नहीं किया तो डिस्कशन में क्यों पार्टिसिपेट करें, है ना पवन, जब पढ़ाना हो जाएगा तब हम आ जाएंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे तो। पहले बता देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर और इससे रिलेटेड एक जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, दोनों लिंक टॉपिक है, तो इनके ऊपर 6 क्वेश्चन पूछे गए इस बार एडवांस में, 6 पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी मिला के, ध्यान रखना आज तक कभी पूछे नहीं गए इसके ऊपर 6 क्वेश्चन।
हमने सॉल्व नहीं किया तो हम क्यों डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, हम तो मजे मारेंगे फिर आएंगे। आइंदा से ऐसा करोगे ना एंट्री नहीं दूंगा अंदर। नहीं कर रहे तो मत ही आओ फिर, जब करोगे तब अटेंड करना क्लास। ठीक है, ग्रुपिंग में लास्ट क्वेश्चन कौन सा था सर? ये सारे हाउ मेनी मार्क्स में रिफ्लेक्ट होती है, जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं ना इसी के अकॉर्डिंग आते हैं, देखना कौन सा था बताओ लास्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 17 पीपल डिपार्ट्स इन टू कार्स ऑफ कैपेसिटी 4। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल। देखो क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज 52 कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इन हाउ मेनी वेज 52 कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 52 डिस्टिंक्ट कार्ड्स, मतलब वही प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड में तो चार किंग चार ये होते हैं तो पता होगा सभी लोगों को। 52 प्लेइंग कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर प्लेयर्स इक्वली सच दैट फर्स्ट पार्ट में नो रेस्ट्रिक्शन, सेकेंड पार्ट में ईच विल हैव वन किंग, Anyone will have all four kings. बताओ जल्दी से, ये 5 है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 52 प्लेइंग कार्ड्स को चार लोगों में, ग्रुपिंग तो यूज होगा। बताओ पहले वाले का आंसर।
क्या हो गया था समझ बेटा, पहले ज्वाइन किया बाद में डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ सुबह का काम करना भूल गए थे क्या? नहीं नहीं सर, वो बीच में बहुत सा लैग हो रहा था और आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी, पर मैंने रिज्वाइन करने का सोचा, पर बाद में देखा तो नेट पूरी तरीके से गया था, इस वजह से देर हो गई। ओके चलो ठीक है। यस सर। चलो पहले का कितने लोगों का आ गया है? आसान था वो, सिंपल ग्रुपिंग का क्वेश्चन था। इक्वली बांटना है तो हर एक के पास कितने जाएंगे? 13 13 13 13, है ना? तो 52 फैक्टोरियल अपॉन, चार ग्रुप बनाने होंगे 13 13 के, क्योंकि इक्वली बांटना है चार लोगों में। अब ये चार इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप बन गए तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी आएगा। अब चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन चार ग्रुप्स को, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, तो हो गया ये पहले का आंसर है। सेकंड का, ईच वन विल हैव वन किंग, कितने लोगों को आ गया है सेकंड का? क्या किया इसमें सेकंड में? हर एक के पास एक एक किंग होना चाहिए। कार्ड्स कार्ड्स चार तो अभी बच चुके इक्वली, तो उनको पहले 48 टोटल कार्ड्स के लिए, फिर 12 फैक्टोरियल से 4 टाइम्स डिवाइड किया, फिर इनटू 4 फैक्टोरियल से। गलत है ना बेटा, वो किंग को भी तो पहले बांटना पड़ेगा ना हमें, मतलब दो चीजों को बांटना है यहाँ पे। अब किंग को बांटना है एंड बाकी बचे हुए 48 कार्ड्स को भी बांटना है, ठीक है? क्योंकि हर एक के पास एक एक किंग जाना चाहिए, इसका मतलब एक तरीके से पहले किंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो 4 फैक्टोरियल अब इक्वली जाना चाहिए, हर एक के पास एक एक किंग है ना, तो इन चार किंग का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अब डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो इनटू 4 फैक्टोरियल, क्लियर? ये किंग का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बचे 48 कार्ड्स, हर एक के पास एक एक किंग जा चुका है, अब ये 48 में से कितने जाने चाहिए? 12 12 12, तो 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, चार ग्रुप्स इक्वल स्ट्रेंथ के, तो 4 फैक्टोरियल अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से 13 कार्ड्स हर एक के पास जाएंगे और हर एक के पास एक एक किंग रहेगा। ये कितने लोगों का आया था? चलो बहुत बड़े, बाकियों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, थर्ड, थर्ड में क्या बोला गया है? एनीवन विल हैव ऑल 4 किंग्स। अब बताओ इसी तरीके का कल हमने क्वेश्चन किया है। हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, और इंटू में 3 फैक्टोरियल नहीं किया क्या? अच्छा वो कैंसल आउट हो गया उसके साथ, ठीक है। हाँ सही है। कितने लोगों का आ गया थर्ड का? एक कार वाला एग्जाम्पल याद करो कल का, 2 पर्सन 2 पर्टिकुलर पर्सन वॉन्ट टू ट्रेवल बाय, इंसिस्ट टू ट्रेवल बाय सेम कार। तो हमने पहले क्या किया था? कार को सेलेक्ट किया था। तो वैसे यहाँ पे चार किंग्स है, चारों में से किसी के पास भी जा सकते हैं,
ये जो चार किंग्स है चारों में से किसी एक के पास जा सकते हैं, तो हमें पहले उन चार में से उस एक आदमी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चार में से पहले उस आदमी को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके पास चारों किंग जा रहे हैं। हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, अब उसके पास चारों किंग है, ठीक है, बचे कितने कार्ड्स, 48। अब एक आदमी के पास चार कार्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे 48 कार्ड्स को, तो क्या क्या बनेंगे ग्रुप के स्ट्रेंथ, मतलब 9 के स्ट्रेंथ का एक ग्रुप बनेगा और बाकी तीन 13 के। अब इसमें तीन ग्रुप्स इक्वल स्ट्रेंथ के बन गए। अब ये जो 9 वाला ग्रुप है किसके पास जाएगा, जिसके पास चार किंग्स है उसी के पास जाएगा, उसके अलावा और किसी के पास नहीं जा सकता है। मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही तरीके से होगा, इसका 9 वाले का, बाकी तीन लोग बचे उनके पास कुछ भी नहीं है, तो इन तीन ग्रुप्स का वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होगा, 3 factorial तरीके से। ये क्लियर है? अब और अगले में पर्टिकुलर बोला है, वन पर्टिकुलर पर्सन हैज ऑल 4 kings, तो ये 4C1 करने की जरूरत है क्या? नहीं, नो सर, ये 4C1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर है, उसी के पास वो चार किंग जाएंगे। अभी हमें पता नहीं था किसके पास जाने वाले हैं, तो वो किसी के भी पास जा सकते थे, तो चार में से उस आदमी को हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ा। लेकिन अब पर्टिकुलर की जब बात हो रही है, तो वो इंसान फिक्स होगा जिसके पास चारों किंग जाएंगे। अब बचे क्या, 48 कार्ड्स, उसमें से एक बनेगा ग्रुप 9 कार्ड्स का, बाकी तीन बनेंगे 13-13 कार्ड्स के ग्रुप, तीनों ग्रुप इक्वल स्ट्रेंथ के, ये तीन ग्रुप तक 3 factorial आएगा। अब इन तीन ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीन लोगों में, और ये 9 वाला किसके पास जाएगा, जिसके पास चार किंग्स है। तो बस इतना आंसर है इसका, ठीक है। एंड फिफ्थ वाले का, हाँ बिल्कुल सही हो जस सर। हाँ सर, इसमें जो फोर्थ होगा सर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगे क्या ये कार्ड्स? इसमें सर जो टोटल 4 players है ना, इसमें 3 players में ही होगे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। आप तो यार तुम सोचते नहीं है, वो स्टार्टिंग से इतना एक के पास चार कार्ड्स गए, तुम क्वेश्चन को तो देखो अच्छे से, चारों के पास इक्वल जाने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब एक के पास चार कार्ड्स गए हैं, तो ये जो 9 वाला ग्रुप है हमेशा उसी के पास जाएगा ना? यस सर। तो कितने तरीके से जाएगा? एक ही तरीके से जाएगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन वगैरह नहीं है इसमें, कुछ सोचना है बस। अब फिफ्थ में पहले तो क्या है, वो 2 particular persons से उनके पास 2 किंग्स है, तो उन 4 किंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन वही 2 लोगों में होगा, जो पर्टिकुलर पर्सन से उन्हीं दोनों में ये 4 किंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम किंग्स को बांटेंगे उन 2 लोगों में, तो 4 factorial 2 factorial 2 factorial, 2 equal strength के बन गए ग्रुप, तो 2 factorial into में उनका डिस्ट्रीब्यूशन 2 factorial, तो उन 2 particular persons में हमने किंग्स को बांट दिया, ठीक है, किंग्स को बांट दिया। अब उसके बाद बचे कितने कार्ड्स, 48 कार्ड्स, उसमें से कितने कितने स्ट्रेंथ के हमें ग्रुप्स बनाने होंगे, 11-11 के 2 ग्रुप बनेंगे एंड 13-13 के 2 ग्रुप बनेंगे। अब 11-11 के 2 equal strength के ग्रुप बन गए, तो 2 factorial,
तेरह तेरह वाले दो इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप बन गए, तो टू फैक्टोरियल इनटू, अब ये जो ग्यारह ग्यारह वाले ग्रुप है उन्हीं दो पर्टिकुलर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू फैक्टोरियल तरीके से, जिनके पास दो दो किंग जा चुके हैं। एंड ये तेरह तेरह वाले ग्रुप किसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं गया है टू फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर? यस क्लियर है, गया था शायद तुम्हारा वो जैसे ये वाला पार्ट। यस सर, ये ध्यान रखना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें पर्टिकुलर पर्सन वन पर्सन अगर ऐसी चीजें यूज हो रही तो इसमें पहले क्या करना पड़ रहा है उसके बारे में सोचो। अब कल इसी तरीके के क्वेश्चन हमने वो कार में और उसने लिए, अब इसको बस कार्ड्स और चार लोगों में इक्वली बांटना है उस फॉर्म में लेके आ गए। कंसेप्ट के पीछे फोकस करो तुम तो, कंसेप्ट के ऊपर डाटा चेंज होता रहेगा अंदर में, लैंग्वेज में कार्ड कार्स और ऑटोस की जगह कार्ड्स आते रहेंगे, कार्ड्स की जगह पे कुछ और रहेगा, बस डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इतना ध्यान रखना ग्रुपिंग के लिए डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस लाए जा सकते हैं, बोला जाएगा कि किसी भी दो लोगों के पास क्या होने चाहिए, ब्लैक कलर के कार्ड्स ही होने चाहिए, इस तरीके की चीजें हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता मान लो टू पर्टिकुलर पर्सन्स receive only black cards, two particular persons receive only black cards, तो क्या होता है आंसर? टू पर्टिकुलर पर्सन रिसीव ओनली ब्लैक कार्ड्स, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में कितने ब्लैक होते हैं? 26 और ये स्टार्टिंग का पूरा सेम है, इक्वली बांटने हैं, ये सब सेम है, तो दो पर्टिकुलर पर्सन में ब्लैक कार्ड्स जाने चाहिए इतना, इसका मतलब 26 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से उनके पास ब्लैक कार्ड जाएंगे एंड बचे हुए दो लोगों के पास रेड कार्ड जाएंगे, है कि नहीं? बोलो, यही आएगा उसका आंसर। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। तो ऐसे वेरिएशंस लाए जा सकते हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली वहां पे हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, खेलते कैसे उसके बारे में तो छोड़ दो, कार्ड्स में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए हमें, कि 13 कार्ड्स पेड़ के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 13 हर्ट के होते हैं, उसमें 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक ऐसे होते हैं, पता तो होगा ना सभी लोगों को। yes, sir. और कौन से गेम आते तुम्हें कार्ड्स के? मुझे कौन से आते हैं? तो आता होगा
काफी सारे आते हैं क्या? कौन सा आता है? जोड़ी लगाना। काफी सारे आते थे, एक आध तो नाम बताओ। रम्मी। अबे यही यही लोग है वो जो ऑनलाइन रम्मी का चलता है उसको ये कर रहे हैं। क्यों रे, है ना तेरा अकाउंट वहां पे आशीष ओजस? नो सर, सिर्फ पता है। पता है। नो सर। बादाम सात, सॉलिटेयर, ओके, कैसीनो और तीन पत्ती आता है क्या? लेकिन नाम बता रहे हो बस, ये आता है। झूठ तो बोल ही रहे हो तुम लोग, आता तो सभी लोगों को होगा। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ये आइडिया रखो कि मतलब 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक, 26 रेड, 13 13 13 होते, 13 ब्लैक जैक के, 13 13 जैक के नहीं, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, 13 डायमंड, 13 हर्ट्स। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। गेम पता नहीं होगा तो चलेगा, और पता भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स, 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स इनटू 3 बैग्स, 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स इनटू 3 बैग्स, सच दैट नो बैग इज एम्प्टी, सच दैट नो बैग इज एम्प्टी, सच दैट नो बैग इज एम्प्टी। एंड फर्स्ट पार्ट में है बैग्स आर डिस्टिंक्ट, बैग्स आर आइडेंटिकल। बैग्स आर डिस्टिंक्ट एंड बैग्स आर आइडेंटिकल। है गलत है ओजस, पहले तो कितने पॉसिबिलिटीज आती वो ढूंढो ना। 6 बॉल्स है, उनको 3 बैग्स में बांटना है, तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 3 केसेस, 3 केसेस बनेंगे। बहुत बढ़िया, कौन से कौन से? 1 1 4, 1 2 3 एंड 2 2 2, ये 3 केसेस बनेंगे। ये पहले ढूंढना जरूरी होता है।
फिर उसके बाद बैग्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो बैग्स आर डिस्टिंक्ट है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन 3 factorial तरीके से होगा, एंड बैग्स अगर आइडेंटिकल है तो इन ग्रुप्स का इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होगा, तो एक तरीके से होगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट देख लो, ग्रुपिंग में जो लिखवाया था, तो पहले वाले का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें बैग्स कैसे है, डिस्टिंक्ट है, तो 6 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 4 factorial, दो ग्रुप्स इक्वल स्ट्रेंथ के है, और इन तीन ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होगा 3 factorial तरीके से, क्योंकि बैग्स डिस्टिंक्ट है। उसके बाद 6 factorial डिवाइडेड बाय 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, कोई भी ग्रुप इक्वल स्ट्रेंथ का नहीं है तो इनटू डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, और इनटू में डिस्ट्रीब्यूशन 3 factorial तरीके से, एंड तीसरे का आंसर 6 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial, ठीक है। एक मिनट, टू फैक्टोरियल इंटू 3 factorial, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया, जब बैग्स कैसे है डिस्टिंक्ट, एंड बैग्स जब आइडेंटिकल होंगे तो वो 3 factorial की जगह पे क्या आएगा, 1 1 1। तो जो सेकेंड वाले का आंसर है वो क्या है, 6 factorial डिवाइडेड बाय 1 factorial, 1 factorial, 4 factorial, 2 factorial इंटू 1 प्लस 6 factorial into 1 upon 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial into 1, and 6 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial into 1. तो क्लियर है ये? Yes. ये रीजन तो क्लियर है ना, 1 1 1 क्यों आता है? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ये ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट हो गया, ये आगे भी एक दो टॉपिक में हमें देखना है, मतलब इसका एप्लीकेशन आएगा। इसका एक तो फंक्शन टॉपिक है, ठीक है, 12th में जिसको पढ़ने वाले हैं उसमें फंक्शन के कुछ टाइप्स रहते हैं। ऑन्टो फंक्शन बोल के एक टाइप रहता है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस निकालने के लिए ग्रुपिंग का यूज होता है, तो वो हम उस टाइम पे देख लेंगे। बीएनसी का एप्लीकेशन बहुत सारे जगहों पे आता है, बहुत सारे टॉपिक्स में इसके एप्लीकेशन के हेल्प से क्वेश्चन बने हैं, एडवांस में खास करके, मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट में, फंक्शंस में, और भी बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है, अगर वहां पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, कुछ पी आइडेंटिकल रहेंगे, क्यू आइडेंटिकल रहेंगे, आर आइडेंटिकल रहेंगे, और उसमें से हमें कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उसमें से हमें मान लो कुछ एम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उसको कैसे सेलेक्ट करें, उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, वो अब हम देखेंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा, डिस्टिंक्ट में से सेलेक्ट करना देखा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट करना अभी तक हमने देखा है। अब हम आइडेंटिकल में से भी कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, अगर हम बोलते हैं पी आइडेंटिकल में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, एक तरीके से होता है, लेकिन पी आइडेंटिकल एक टाइप के, क्यू आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, इनमें से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो अब, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट,
एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो पहले हम डिस्टिंक्ट वाले की बात कर लेते, देन आइडेंटिकल के ऊपर पढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी जो एनसीआर था वो क्या था, एनसीआर तीन चार चीजें होती है देखो सिलेक्शन की। एक तो एनसीआर मतलब होता है एन डिस्टिंक्ट में से एट अ टाइम आर सेलेक्ट करना, एन डिस्टिंक्ट में से एट अ टाइम आर सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद एक और आता है वन बाय वन सेलेक्ट करना। जैसे मान लो एन एन डिस्टिंक्ट में से हमें चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या सर? हाँ बोलो सर। आप लिख रहे हो मतलब विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन, मतलब अभी थोड़ा लेट हो रहा है 10-20 सेकंड के बाद। अच्छा लैग हो रही स्क्रीन, एक मिनट। हाँ आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस तो दिख रहा है सामने सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट हेडिंग। यस सर। ठीक है, यहाँ पे तीन सिलेक्शन में अभी बताने वाला हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस है। एनसीआर, एनसीआर क्या होता है, एन डिस्टिंक्ट में से एट अ टाइम आर सेलेक्ट करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनसीआर, ठीक है। अब उसके बाद एन डिस्टिंक्ट में से वन बाय वन अगर सेलेक्ट करना होगा, वन बाय वन मान लो एन डिस्टिंक्ट में से हमें वन बाय वन चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए रिजल्ट क्या होगा देख लो। वन बाय वन अगर सेलेक्ट करना होगा एन डिस्टिंक्ट में से, तो पहले एन में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, अब बचे कितने, एन माइनस वन, तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ। बचे कितने, एन माइनस टू, उसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ। एन माइनस थ्री, उसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ। तो वन बाय वन के लिए ये रहेगा रिजल्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर इसी में अगर ये करना चाहेंगे एन डिस्टिंक में से एट अ टाइम एन डिस्टिंक सेलेक्ट करना, मतलब एनसीएन, एन डिस्टिंक में से एट अ टाइम एन डिस्टिंक सेलेक्ट करना मतलब एनसीएन, उसके लिए रिजल्ट है। एंड अगर वन बाय वन की हम बात करते हैं तो एनसी वन, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस टू सी वन, और ऐसे ही फाइनली वन सी वन। तो ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल आएगा, एन फैक्टोरियल के इक्वल आएगा, मतलब अरेंजमेंट के इक्वल ही आ जाएगा वो। तो ध्यान रखना वन बाय वन एन एट ए टाइम ये दोनों अलग चीजें हैं। क्या अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? नो बाकी लोगों को दिख रहा है सर? बाकी लोगों को बताओ, उसी से तो जज करो किसके तरफ से प्रॉब्लम है। दिख रहा है सर? ये आयुष तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है इसका मतलब? ओके यस सर, चेक कर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एट अ टाइम सेलेक्ट करना है एंड वन बाय वन सेलेक्ट करना, ठीक है। एट अ टाइम के लिए जैसे एन डिस्टिंक्ट में से एट अ टाइम आर डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करना तो एनसीआर, एंड वन बाय वन सेलेक्ट करना तो एक एक सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। जैसे एन में से वन हो गया तो अब बचे कितने, एन माइनस वन उसमें से वन, एन माइनस टू उसमें से वन, एन माइनस थ्री उसमें से वन। आप वो एट अ टाइम एंड वन एट अ टाइम, इसमें दो अलग अलग लैंग्वेजेस है इसमें, ठीक है। ये एट अ टाइम आर सेलेक्ट करना है, ठीक है, या एट अ टाइम फोर सेलेक्ट करना है। फोर के टर्म्स में बात कर लेते ज्यादा समझ में आ जाएगा, ताकि इधर भी हम लिख सके उसको एट अ टाइम फोर, ठीक है। तो एनसी फोर एंड वन बाय वन, वन बाय वन फोर सेलेक्ट करना, तो वन बाय वन फोर सेलेक्ट करना है हमें,
तो वहां पे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एन डिस्टिंक्ट में से करना है, ठीक है? तो एन में से पहले वो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, फिर बचे कितने, एन माइनस वन, उसमें से दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, फिर बचे कितने, एन माइनस टू, उसमें से और एक सेलेक्ट होगा, बचे कितने, एन माइनस थ्री, उसमें से और एक सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके से वन बाय वन चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। और इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, ये दो चीजें रहती है। अभी जो हमने देखा है ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, ये प्रोबेबिलिटी में इस तरीके की चीजें आएगी बार बार, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विथ रिप्लेसमेंट अगर होता तो जो भी ऑब्जेक्ट था उसको निकालते, फिर से पुट कर देते। अब यहाँ पे फिर से मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स में से हमें चार ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, एक वन बाय वन करके चार ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं विथ रिप्लेसमेंट। निकालना है, पुट करना है, निकालना है, पुट करना है, निकालना है, पुट करना है। तो ये कितने तरीके से होगा, वन बाय वन, तो वो कितने तरीके से होगा, एन सी वन, एन सी वन, एन सी वन, एन सी वन तरीके से होगा। ये क्लियर है? नहीं सर। अरे यहाँ पे क्या है, इस बॉक्स में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अब इसको क्या करना है, हमें वन बाय वन चार ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं, एंड निकालने के बाद उसको फिर से इसमें पुट कर देना है। जैसे एक निकाला, पुट कर दिया, दूसरा निकाला, पुट कर दिया, तीसरा निकाला, पुट कर दिया, चौथा निकाला, पुट कर दिया, ऐसे है वो विथ रिप्लेसमेंट। तो पहला ऑब्जेक्ट निकालना है, बैग में कितने ऑब्जेक्ट है, एन, तो एन सी वन तरीके से वो एक ऑब्जेक्ट निकलेगा। अब निकाला, फिर से पुट कर दिया, अभी फिर से बैग में कितने ऑब्जेक्ट है, एन, तो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, वो भी एन सी वन तरीके से आएगा, निकाला, देखा, पुट कर दिया। अब तीसरा निकालना है, अगेन वहां पे पॉसिबिलिटीज कितनी है, एन, है ना, एन में से एक आ जाएगा। यस सर। अब क्लियर, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दो चीजें इसमें हो सकती है। तो इन दो सिलेक्शंस में कोई कोई डाउट है, एट अ टाइम के लिए क्या होगा, एंड वन बाय वन के लिए क्या होगा, विथ रिप्लेसमेंट होगा तो क्या, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो क्या? गौर करना है वहां पे। अरे एट अ टाइम, वन बाय वन में भी विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? यस। सेम ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी बाद में देखेंगे सेम ऑब्जेक्ट का, हम अभी तो डिस्टिंक्ट वाला देख रहे हैं। ये डिस्टिंक्ट से रिलेटेड सारी चीजें बता रहा हूं मैं, सिलेक्शन की, एट अ टाइम सेलेक्ट करना, वन बाय वन सेलेक्ट करना। अब ये वन बाय वन भी कैसे था, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ये आंसर है, विद रिप्लेसमेंट वाला ये रहेगा। हाँ सर। सर वो रिप्लेसमेंट केस के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे और वापस रख देंगे तो दूसरे टर्न में वो ही ऑब्जेक्ट वापस भी तो आ सकता है, आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ठीक है, वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज इसमें आ जाएगी। यस, ये चारों के चारों भी सेम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एट अ टाइम वन बाय वन। अब आ जाते हैं एटलीस्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें पहले हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब उसमें जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला गया है,
तो एक भी ऑब्जेक्ट ना आए, ये एक पॉसिबिलिटी है, जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर एनी बोला गया तो सारी पॉसिबिलिटीज में जो जो आंसर आएगा उनका हमें सम करना होगा, तो जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये एक हो गया, वन ऑब्जेक्ट ये एक हो गया, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, टू ऑब्जेक्ट्स ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर थ्री और ऐसे फाइनली एन ऑब्जेक्ट्स। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलने की वजह से यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज रहेगी उनके आंसर का हमें सम करना पड़ेगा, तो जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, टू ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, थ्री फोर फाइव अप टू एन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनके नंबर ऑफ, जैसे जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो एनसी जीरो तरीके से होगा वो। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है तो एनसी वन, दो ऑब्जेक्ट्स है एनसी टू, एंड एन ऑब्जेक्ट्स है तो एनसी एन, और इसका सम हमें पता है बाइनोमियल की हेल्प से, टू की पावर एन। क्लियर? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो एनी बोलने की वजह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की उनके आंसर का हमें सम करना पड़ेगा। तो जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या तो एन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उन सब का सम आ जाएगा टू की पावर एन। हाँ सही अभिषेक, ऐसे भी तुम उसको रीड कर सकते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए दो पॉसिबिलिटी, या तो वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ये क्लियर है? यस। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सही है? बाकी लोग भी बताओ, आप ये आ जाएगा तुम लोगों को भी बताना। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो एटलीस्ट वन मतलब एक ऑब्जेक्ट, दो तीन चार अप टू एन, तो टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। बिल्कुल सही, वन ऑब्जेक्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद टू ऑब्जेक्ट्स की पॉसिबिलिटी, फिर ऐसे ही एन ऑब्जेक्ट्स, तो इन सबके आंसर का क्या सम आ जाएगा, तो वन ऑब्जेक्ट एन डिस्टिंक्ट में से एक सेलेक्ट करना है, तो एनसी वन, एन डिस्टिंक्ट में से टू सेलेक्ट करना है एनसी टू, और ऐसे ही एन डिस्टिंक्ट में से एन सेलेक्ट करना है तो एनसी एन, और इसका जो सम आएगा टू की पावर एन माइनस एनसी जीरो, तो टू की पावर एन माइनस कितना आ जाएगा, वन। क्लियर? यस सर।
थर्ड एटलीस्ट टू, इसमें एटलीस्ट टू कर लेना, या एटलीस्ट वन की जगह पे एटलीस्ट टू करना, या एटलीस्ट वन की जगह पे एटलीस्ट टू करना और आंसर बताओ जल्दी अब। एटलीस्ट टू इसी में, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट टू। सही है, वैसे अगर वेरिएशन आएंगे तो आंसर तो आ जाएगा ना। एटलीस्ट टू मतलब किससे शुरुआत होगी, टू ऑब्जेक्ट्स, फिर थ्री ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे फाइनली एन ऑब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर एनसी टू, एनसी थ्री और ये एनसी है, तो ये आने वाला है टू की पावर एन माइनस एनसी जीरो माइनस एनसी वन, क्योंकि एनसी जीरो प्लस एनसी वन अप टू एनसी एन का सम टू की पावर एन आता है, हमें पता है। अब इसमें दो चीजें मिसिंग है, कौन सी, एनसी जीरो एंड एनसी वन, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये टू की पावर एन माइनस वन माइनस एन, क्लियर। अब ये तो हो गया डिस्टिंक्ट से रिलेटेड, एटलीस्ट थ्री आएगा तो क्या होगा वो भी तुम बता सकते हो, एटलीस्ट फोर वाला भी बता सकते हो अब, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट वाला हो गया, अब आइडेंटिकल के ऊपर आ जाते हैं। ये तीन जो पॉइंट्स हमने अभी लिखे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, बाद में इन सारे पॉइंट्स को जाके हमें यूज करना है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अब फोर्थ वाले में, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एनी नंबर बोला गया, सारे पॉसिबिलिटीज का सम करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब जीरो ऑब्जेक्ट ये भी पॉसिबिलिटी होगी, जीरो ऑब्जेक्ट्स, जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ही फाइनली एन ऑब्जेक्ट्स। और हर एक पॉसिबिलिटी का आंसर क्या आएगा इसमें, वन, आइडेंटिकल है, ध्यान रखना आइडेंटिकल है, जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का तरीका है। अगर हम एन आइडेंटिकल में से एक ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका एक ही होगा, आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करने वाला पॉइंट लास्ट मैंने लिखवाया था वहीं पे, अगर हम आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करते तो वो एक ही तरीके से सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक ही तरीके से होगा, आइडेंटिकल में से कर रहे हैं, और ऐसे ही एन आइडेंटिकल में से करना चाहते हैं एन ऑब्जेक्ट्स तो वो भी एक तरीके से। तो यहाँ पे वन कितनी बार ऐड होगा, एन एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन टाइम्स ना, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, एन प्लस वन, जीरो से शुरुआत हो रही है एन तक जा रहे हैं, मतलब वन कितनी बार ऐड हो रहा है, एन प्लस वन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो कितने आएंगे, एन प्लस वन आएंगे। यस सर,
नेक्स्ट। अब इसी में अगर हम बात करते हैं एटलीस्ट वन की, इसी में अब एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जगह पे एटलीस्ट वन, तो आंसर क्या रहेगा बताओ? एटलीस्ट वन वाले का आंसर क्या रहेगा? एन, क्योंकि वन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद थ्री ऑब्जेक्ट्स, फाइनल चलता जाएगा कितने, एन ऑब्जेक्ट्स। तो वन ऑब्जेक्ट का तरीका एक, टू ऑब्जेक्ट्स के लिए भी एक, थ्री के लिए एक, ऐसे एक, मतलब वन कितनी बार ऐड होगा, एन टाइम्स, तो सम एन आ जाएगा। अगर मैं वहां पे एटलीस्ट टू बोलता तो आंसर क्या आता? एन माइनस, एन माइनस वन, तो लिख लो वो भी सिक्स वाले में, एटलीस्ट टू। किसमें से? एन आइडेंटिकल में से, तो टू ऑब्जेक्ट्स थ्री ऑब्जेक्ट्स, फाइनली कहां तक, एन ऑब्जेक्ट्स। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये टू ऑब्जेक्ट के लिए एक एक एक, ऐसे ही सम एन माइनस वन। और ऐसे ही ध्यान रखना, एटलीस्ट की जगह पे एटमोस्ट भी हो सकता है, एटलीस्ट की जगह पे एटमोस्ट भी हो सकता है, वो ऐसे भी रेस्ट्रिक्शन डाले जा सकते हैं एटमोस्ट वाले डायरेक्शन से, इधर से। तो अगर मैं बोलता यहाँ पे एटलीस्ट टू होने चाहिए एंड एटमोस्ट फाइव होने चाहिए, एटलीस्ट टू होने चाहिए एंड एटमोस्ट फाइव होने चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? एटलीस्ट टू एंड एटमोस्ट फाइव, तो टू ऑब्जेक्ट, थ्री ऑब्जेक्ट, फोर ऑब्जेक्ट एंड फाइव ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ फेज हो जाते चार। तो ऐसे वेरिएशंस भी हमें वहां पे मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? दोनों तरीके से रेस्ट्रिक्शन डाले जा सकते हैं, एटलीस्ट वाले तरफ से भी एंड एटमोस्ट वाले तरफ से भी। तो फिर उसमें हमें पॉसिबिलिटीज देखनी होगी, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार एंड पांच। तो दो ऑब्जेक्ट का तरीका एक, तीन का तरीका एक, चार का एक, पांच का एक, क्योंकि आइडेंटिकल में से हो रहा है ये सब। अगर डिस्टिंक्ट में से रहता तो एनसी टू, एनसी थ्री, एनसी फोर, एनसी फाइव, ये आ जाता, ठीक है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसी में इसको आगे बढ़ाएंगे कल। अब ये तो क्या हो गया, एन डिस्टिंक्ट में से सेलेक्ट करना, एन आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करना। अब वहां पे पी आइडेंटिकल एक टाइप के है, क्यू आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, उनमें से अगर सेलेक्ट करने की बारी आती है तो वो कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और उनके लिए इन पॉइंट्स की हमें हेल्प होगी, तो ये याद करके रखना, ये छह पॉइंट्स, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? तो सारे पॉइंट्स एक बार फिर से देख लो, याद कर लो, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। होमवर्क नहीं है आज कुछ, ठीक है? होमवर्क नहीं है, ये पॉइंट्स याद करके आना, क्योंकि इसकी जरूरत कल पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।